मित्रों जय श्री राम राधे राधे। आज की कथा अयोध्या कांड से प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के बारे में कथा है। आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी का पहले कीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा की ओर चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शव के उरे अभिलाषुवश कहै मनाई महीष, आपे अछत जुवराज पद राम ही देउ नरीश। शव के हृदय में ऐसी अभिलाषा है, ऐसी इच्छा है, जितने लोग राजसभा में बैठे थे, कि शव महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि राजा अपने जीते जी प्रभु श्री राम को युवराज पद दे दे तो बहुत अच्छा है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहू, और राम सुजस सुन अति उछाहू। एक समय रकुल के राजा महाराज दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति के समान लग रहे हैं। उन्हें श्री राम जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तुंद्रे पे सब रही कृपाय अभिलाषी, अलोक पे करही प्रीत रुख राखी। त्रिभुवन तीन काल जग माही, अभूरी भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए उनके अनुकूल होकर के उनसे बहुत प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं। त्रिभुवन तीन काल जगमाही, पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान और कोई दूसरा बड़भागी व्यक्ति है ही नहीं। तो मंगल मोल राम सुत जासु, अजो कछ कहे वो थोर सब ताशु। राय सुभाय मुकुर कर लीला, अबदने बिलो की मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा ही है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना चेहरा देखकर मुकुट को सीधा करने लगे। तो श्रवण समीप भय सित केशा, अमनहु जरठ पन अश उपदेशा। तुंद्रिप युवराज राम कहु देहू, अजीवन जन्म लाहू किन लेहू। जब उन्होंने देखा अपना चेहरा तो उनको अपने कानों के पास बाल सफेद होते हुए दिखाई दिए। उनको ऐसा लगा मानो बुढ़ापा हमारा मुझे उपदेश दे रहा है, मुझे संकेत कर रहा है कि हे राजन, नृप युवराज राम कहु देहू, और जीवन जन्म लाहु किन लेहू, कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। तो यह विचार युरयान नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरही सुनाय जाहि सिया बल रामचंद्र शंकर उमा। हृदय में ऐसा विचार कर, ऐसा विचार लाकर युवराज पद देने का जो विचार महाराज दशरथ के मन में आया, तो उन्होंने राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो
आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। तो कहा ही भुआलु सुनियो मुनि नायक अभय राम सब विधे सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी और जे हमारी अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा कि हे मुनिराज कृपया आपसे यह निवेदन है, मेरा निवेदन सुनिए, प्रार्थना सुनिए कि श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं, यहाँ तक कि सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे हर अरि मित्र उदासी, सेवक मंत्री तथा नगर निवासी और जो हमारे शत्रु या मित्र या उदासीन है, सब यही चाहते हैं कि सब ही राम प्रिय जेह विधि मोही और प्रभु वशीष जन तन धरि सोही विप्र सहित परिवार गोसाई करही छोहु सब रो रही नाई। हे स्वामी, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको प्रिय हैं, उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित तो हो रहा है, इसलिए विप्र सहित परिवार गुसाई हे स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आप ही के समान उन पर स्नेह करते हैं, जैसे आप श्री राम पर स्नेह करते हैं वैसे सारा समाज उन पर स्नेह करता है। तो जी गुरु चरण रेणु सिर धरही अति जनु सकल विभव बस करही मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे असब पायउ रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरण कमलों को रज को मस्तक पर धारण करते हैं ते जन सकल विभव वश कर ही वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं गुरु की कृपा से। और मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, इसका अनुभव मेरे समान दूसरा कौन कर सकता है। सब पायहु रज पावनि पूजे, आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। तो अब अभिलाषे के मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु कहु नरेश रजाय सुदेहु। ये अब अभिलाषे के मन मोरे, हे स्वामी अब मेरे भी मन में एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है, हे नाथ पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी स्वामी तब तक वो भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु अब कहो नरेश रजाय सुदेहु। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि नरेश आज्ञा दीजिए, कहो नरेश रजाय सुदेहु, मुझे आज्ञा दीजिए, कहिए क्या इच्छा है आपकी, क्या अभिलाषा है। तो राजन राउर नाम जसो सब अभिमत दातार फल अनुगामी महीप मनि मन अभिलाष तुम्हार। महाराज दशरथ कहते हैं, विश्व वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, हे राजन आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाष तुम्हार, हे राजाओं के मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। तो सब विधि गुरु प्रसन्न जी अजानी अब बोले वराऊ रहस्य मृदु बानी अनाथ राम करी अही जुब राजू
कहयो कृपा करी करे हूँ समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले कि हे नाथ नाथ राम करी हे युवराजू, हे नाथ श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दीजिए, कृपा करके कहिए आज्ञा दीजिए तो मैं आज से ही तैयारी करना चालू कर दूं। तो मोहि अछत यहु हो ही उछाहु, लहाहि लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सब ही निबाही, यह लाल साई के मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, और इसके साथ साथ सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर ले। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, अच्छे ढंग से निभाया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यहां एक लालसा मन में रह गई है। तो पुनि न सोचे तनु रहूं कि जाऊ, अजही न हो पाछे पछिताऊ, तो सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाई, अमंगल मोदे मूल मन भाई। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि हे स्वामी हे मुनिवर, अगर ये लालसा पूर्ण हो जाती है तो फिर सोच नहीं किसी भी चीज का, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछताना ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। तो सोनन रे जास विमुख पछताही, अजासो भजन बिनु जरनी न जाही, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, वही स्वामी सर्वेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। भय हूं तुम्हार तने सोई स्वामी और राम पुनीत प्रेम अनुगामी, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है, श्री राम जी के पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम राधे राधे।